सो हेलो एवरीवन, दिस इज मानस। तो चलतु आज पढ़वा ए लेटर टू गॉड, भगवान पाक गोटे चिठी। तुम्हें केवे भगवान पाक चिठी लिखिछ कि मुझे आशा करुच्ची तुम लिखि बोधे। तो किए लिखिंट विषय जी एल फ्यूंटेस लिखिंट। तो चलतु डिस्कस करवा द टेक्स्ट। टेक्स्ट्रे कौन अच्छे द हाउस से निर्दिष्ट घर ये दा लगी गोटे डेफिनेट आर्टिकल। द हाउस से निर्दिष्ट घरटे द ओनली वन केवल गोटाए घर इन द एंटायर भिलेज। से संपूर्ण उपत्यकार केवल गोटाए ही घर थी। उपत्यका कौन एटा गोटे पहाड़, एटा गोटे पहाड़। तेणु दुटा पहाड़ मझे जो समतल अंचल थाए उपत्यका कहुए। द हाउस गोटे निर्दिष्ट घर, द ओनली वन केवल गोटाए घर इन द एंटायर भिलेज। से संपूर्ण उपत्यकार केवल गोटाए ही घर थी। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लोहिल। आउ से घरटा कौटी अवस्थापित थिला, सेट ऑन माने फिक्स्ड कौटी अवस्थापित थिला। द क्रिस्ट ऑफ ए लोहिल गोटे नीच पहाड़टे थिला, से नीच पहाड़ क्रिस्ट माने अग्रभागरे ही से घरटा उपस्थापित थिला। फ्रम दिस हाइट आउ से हाइट्रु से उच्चतारु से घर उच्चतारु वन वुड सी जड़े देखिपारे द रिवर्स नदी देखिपारे से घर पाख दे बजा नदी। एंड द फील्ड ऑफ राइपकॉर्न आउ पाचिला मका क्षेत्रटा को देखिपारे डॉटेड विथ द फ्लावर। डॉटेड विथ मैंने गोटे जिनसरे पूरा परिपूर्ण हो जा डॉटेड विथ द फ्लावर पूरा फूल से परिपूर्ण होता से पाचिला मका क्षेत्रटा। दैट ऑलवेज प्रमिस्ड आउ से मका क्षेत्रटा सब प्रतिश्रुति देता ए गुड हार्वेस्ट मैंने भल अमलटे हम पूरा सब पची भल अमलटे हम। द ओनली थिंग द अर्थ निडेड केवल गोटे जिनस द अर्थ निडेड मैंने पृथ्वी बा माटी दरकार करूला व्वाज ए डाउनपोर गोटे डाउनपोर मैंने भीषण बा जोरटे वर्षा और एटलिस्ट किंबा ए सावर सावर मैंने टी अल्प समय पर होता वर्षा कहुचे जे माटी कौन दरकार करूला खाली टी भीषण वर्षा ना किसी अल्प समय पर होता वर्षा दरकार करूला। थ्रु आउट द मर्निंग एटा थ्रु आउट ना थ्रो आउट नुह थ्रो आउट मैंने फोपाड़ा ये थ्रु आउट मैंने सारा बा तमाम थ्रु आउट द मर्निंग सका सारा। लेंच लेंच किए यही जो ये विषय सी मुख्य विषय नाटक रखी अभिनयकारी मुख्य अभिनयकारी ठीक अच्छे। लेंच लेंच हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली लेंच जी कि क्षेत्रटा को इंटीमेटली इंटीमेटली मैंने क्लोजली गभीर भाव में बहुत भल भाव जानी हेड डन नथिंग एल्स से किसी कले ही ना कहीं सब तो भल कि अच्छी पची मका पका खाली टी वर्षा दरकार हेड डन नथिंग से किसी कले ना। बट सी द स्काय केवल आकाश को तकईले टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आड़ आकाश को से केवल तकईले कहीं सेपटर वर्षा हबार अच्छे तेणु से सेपट को तकईले। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन ओमेन मैंने स्त्री को कौन ओमेन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर जे आम बर्तन पाइबाकूँ मैंने वर्षा हबार अच्छे। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर द ओमेन मैंने से लेंचर स्त्री हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर जे कि सुपर सुपर मैंने लाइट मिल गोटे हालुका भोजन कहींपर रात्रि संध्या भोजन से प्रिपेयर करुले रिप्लाइड उत्तर देले येस गॉड विलिंग हाँ भगवान जदि चाहिए तो हम एमती उत्तर देले। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड द ओल्डर बॉयज मैंने जो वयस्क बालक मैंने से वेयर वर्किंग इन द फील्ड से क्षेत्र में कम करुले व्वल से ही समय द स्मलर वन्स वेयर प्लेइंग नियर द हाउस आ जो स्मलर वन मैंने छोट छोट पाने से कौटी खेलुले वेयर प्लेइंग नियर द हाउस घर पाखे खेलुले आंटिल जेपर्यंत द ओमेन कॉल टू द मॉल जेपर्यंत से महिला जनक मैंने लेंचर स्त्री जनक समस्त को डाक नथिले कौन कही डाकि कम फर डिनर आस डिनर करवा आस बोले डाकिले इट वाज ड्यूरिंग द मिल एटा मिल रो समय रे दैट जे जस्ट एज लेंच हेड प्रेडिक्टेड लेंच जमी पूर्वानुमान करते हेड प्रेडिक्टेड मैंने लेंच जमी पूर्वानुमान करते फोरकास्ट करते बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बड़ बड़ वर्षा बुंदा बिगन टू फॉल मैंने पड़िया को आरंभ कर दिला। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आड़े ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बड़ बड़ बादल खंड गुड़ा कुड बी सीन देखा जाता एप्रोचिंग मैंने पाखे आस द्वारा देखा होता नॉर्थ ईस्ट आड़ द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट आउ से वायुटा केमती थी फ्रेश मैंने सतेज एंड स्वीट आउ मधुर थी। द मेन वेन्ट आउट द मेन मैंने टी लेंच वेन्ट आउट मैंने बाहर को गले से खाऊ खाऊ फर नो अदर रिजन किसी कारण पर नुहे देन टीएच एन देन मैंने तुलना कराई ठार् टीएच एन देन मैंने पर दे टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी शरीर उपरे से वर्षार वर्षा पानीर है स्पर्शटा को अनुभव करने से बाहर को गले किसी कारण पर नुहे कहीं सब तो है ठीक ठाक खाली टे वर्षा दरकार था जितने वर्षा पड़ा लेंच कौन कले ना बाहर को बाहर की गले किसी कारण पर नुहे खाली शरीर उपर वर्षा बिंदुर से स्पर्श को अनुभव करने एंड व्हेन ही रिटर्न्ड आउ जेते बेले से फेरिक आसले ही एक्सक्लेम्ड सी से बेले एक्सक्लेम कले एक्सक्लेम करिया माने
टिके बड़ मैटर कहवा अत्यधिक खुशी बा कौन रागर भी कह ही एक्सक्लेम से चित्कार कर कहले दिज आंट रेन ड्रप्स एगुड़ा वर्षा बिंदु पड़ूनी फलिंग फ्रम द स्काय एगुड़ा वर्षा बिंदु आकाशर पड़ूनी दे आर न्यू कॉइन्स एगुड़िक नुआ मुद्रा हला काईक से नुआ मुद्रा सहित तुलना करसा पड़े भल अमलटे हे भल अमल हेले भल टा मिल तेणु से वर्षा बिंदु को से न्यू कॉइन सहित तुलना कर द बिग ड्रप्स आर 10 सेंट पीसेस आ जो बड़ बड़ बुंदा गुड़ा था से 10 सेंट पीसेस माने 10 पीसेस माने ये कहींपर 10 मुद्रा सहित तुलना कर 10 सेंट पीसेस माने 10 मुद्रा बा 10 टंका सहित कहींपर एम तुलना करा गोटे लैटिन अमेरिका मुद्रा एंड द लिटिल वन्स आर 5 आ छोट छोट वर्षा बिंदु गुड़ाक से 5 टंका बा 5 पैसा सहित तुलना कर ठीक अच्छे से मुद्रा सहित तुलना कर बड़ बुंदा गुड़ा जे 10 टंका आ 5 सरी छोट छोट वर्षा बिंदु गुड़ी को से 5 टंका तुलना कर विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेसन सैटिस्फाइड माने संतुष्ट एक्सप्रेसन माने जाणी रे ही रिगार्डेड से चिंता कले द फील्ड ऑफ राइपकॉर्न विथ इट्स फ्लावर से पाचिला मका खेत आर फूल सहित सी संतुष्ट भावन एक्सप्रेसन माने चिंता कले रिगार्ड माने चिंता कले ड्राफ्ट इन ए कटेन ऑफ रेन जमी क्षेत्रा जमी वर्षार परदा कटेन मैंने परदार ड्राफ्ट मैंने घड़े कभर मैंने से बहुत आनंदित खुशी वर्षा अनुभव वर्षा चाहूल वर्षा होेणु सीता से पाचिला मका क्षेत आर फूल को सी जमी वर्षार है जमी परदाता घड़े मैंने वर्षा होर्षार जमी परदारे क्षेत्रा घड़े बट सडेनली कि हठात ए स्ट्रंग विंड बिगन टू बल बिगन टू ब्लो बट हठात कौन है ए स्ट्रंग विंड गोटे शक्तिशाली पवन बिगन टू ब्लो माने बहिबा को आरंभ कला एंड एलंग विथ ता सहित द रेन भेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल आउ एलंग विथ द रेन आउ वर्षा सहित भेरी लार्ज हेलस्टोन्स माने बड़ बड़ कुआपथर बिगन टू फॉल माने बढ़िया को आरंभ कला दिज ट्रुली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन दिज माने यही कुआपथर गुड़िक ट्रुली सतरे डिड रिजेम्बल माने सदृश थिला न्यू सिल्वर कॉइन ना नुआ रूपार मुद्रा सहित देखाउतला सदृश थिला सेई कोन गुड़ा कुआपथर गुड़िक हेलस्टोन गुड़ा द बॉयज से बालक मैंने एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन से मैंने वर्षा को बाहर के गले रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिरल्स आ दौड़ी गले कौन पाई से फ्रोजन पिरल मैंने ये हेलस्टोन मैंने जमी जाइथवा मुक्ता को संग्रह करने ठीक अच्छे जमी देखी तुम पाने जो पढ़ु कुआपथर पड़ू था तुम मैंने बाहर को जाइ कोड़े जाइए सेमती से बाहर को गले इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम्ड द मेन एक्सक्लेम्ड द मेन मैंने से व्यक्ति जनक वर्तमान कौन चिले गुड़ी कौन इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ वर्तमान बहुत मंद हो बहुत खराब हो आई होप इट पासेस क्विकली मुशा करुँ शीघ्र बीती जाओ बोले कहीं क्षेत्र को कुआपथर गुड़िक नष्ट करदे इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु ये एत शीघ्र बीतला ही ना फॉर एन आवर गोटे घंटापी द हेल रेंट ऑन द हाउस गोटे घंटा धरिकी से कुआपथर बर्षला कौटी ना ऑन द हाउस घर उपरे द गार्डन बगीचार द हिल साइड पहाड़ पाखे द कॉर्नफील्ड मका क्षेत्र ऑन द होल वैली पूरा संपूर्ण से उपत्यकार ही कुआपथर पड़ला द फील्ड वाज व्हाइट आ क्षेत्रा पूरा धला थिला आज इफ सते जेपरी कवर्ड विथ सॉल्ट जमती लुण से पूरा भर्ती है धला पूरा देखाउतला नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री आउ से गछरे से मकार गछरे नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री आउ गछरे मका गछरे गोटे भी पत्र रहिला ही नहीं सब कुआ पत्थर कौन होता झड़ी पड़ता द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड आउ मका गुड़ी को पूरा संपूर्ण नष्ट होता द फ्लावर्स वेयर गन फ्रॉम द प्लांट आउ गछर जो फूल होता मकार फूल जो होता से गन माने पड़ेगा ही ना लेंचर सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस लेंचर सॉल लेंचर आत्मा पूरा वाज फिल्ड विथ सैडनेस दुखरे पूरा भरपूर होगा व्हेन द स्टॉर्म हेड फास्ट आउ जत झड़ बीती जाता हि स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड सी जाइए लेंच कौन कले ना क्षेत्र मझीरे जा ठिया एंड सेट टू हिज सन्स आर पुओ मान कौन मन रखित क्या कौन पुल मान ए प्लेग ऑफ लकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस् ए प्लेग ऑफ लकस्ट मैंने पंगपाल दल पंगपाल किए ना छोट छोट कीट पतंग देखते पूरा दल से उड़ती है से शस्य को पूरा नष्ट कर दे प्लेग ऑफ लकस्ट गोटे पंगपाल दल वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस् याठार अधिक छाड़ था यदि पंगपाल आते से फसल को नष्ट करते कुआपथर ठार आधिक छाड़ी था कि कुआपथर गछर किसी भी रखी नहीं द हेल हेज लेफ्ट नथिंग आउ से हेल मैंने कुआपथर वर्षा हेज लेफ्ट नथिंग किसी भी रखी नहीं
दिस इयर वी विल हैव नो कॉन एही वर्ष हम पाखरे आदु मौका रहिबो नै हम तो किछ खाइबा को पाइबो ही नै दैट नाइट वाज अ सोरफुल वन दैट नाइट से रातिटा वाज अ सोरफुल वन गोटे दुखकर राति थिला ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग से कहउछंती एडि के काहु कहउछंती से माने समस्त राति रे बसछंती लंच अडि समस्त कहउछंती हला ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग हमर एते परिश्रम किछि कार्य रे लागिला नै देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस देयर्स नो वन केही भी ना हु कैन हेल्प अस जे कि हमको साहय करें ये जन को कहना समस्त पर समस्त कौन वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर आम यही वर्ष समस्ते भोकिल रु भोकिला अतिवाहित करा पड़ो मैंने भोक रहा पड़ो भोक मैंने कौन सब वर्ष कौन भोक रही ना बट इन द हार्टस अफ अल हु लिव इन द सोलिटारी हाउस बट इन द हार्टस अफ अल माने समस्त हृदय से जे सोलिटारी हाउस रे से एकुटिया घर रे बास करथवा समस्त हृदय रे हला एटा लेखाई कौन बुझ भलो कि सेंटेन्सटा बुझे बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटारी हाउस किंतु से सोलिटारी हाउस से एकुटिया निर्जन घर रे बास करथवा समस्त हृदय रे हला इन द मिडिल ऑफ द वैली मिडिल ऑफ द वैली माने से उपत्यकार मझी भाग रे जे बास करथवा से निर्जन घरे बास करथवा समस्त हृदय रे देयर वाज अ सिंगल होप गोटे ही आशा थिला हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान थारु आशा तो ए सेंटेंस टा को बुझो जे कहउचंती से जो कौन वैली रे इन द मिडिल ऑफ द वैली से उपत्यकार मझी भाग रे आ सोलिटारी घर से जो एकुटिया घरे बास करथवा समस्त हृदय रे गोटे ही आशा थिला हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान ठारू साहय डोंट बी अपसेट से कहते डोंट बी अपसेट जे विव्रत हुनी इवेन दो जदियो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस जदियो एटा संपूर्ण क्षति देखा रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर आउ मन रख कई भोक मरती ना ठीक अच्छे दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर आटा से कहते समस्त कहते नो वन डाइज ऑफ हंगर आउ कई भोक मरती ना All through the night, राति तमाम थ्रू एडा थ्रो नुए ऑल थ्रू द नाइट राति तमाम लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप लेंचो केवल गोटे ही होप गोटे ही आशा कथा भावला द हेल्प ऑफ गॉड भगवान साहय हुज आज जहाँ आँखी मैंने भगवान आँखि एज ही हेड बीन इनस्ट्रक्टर जमीता उपदेश दिखाई सी एव्रीथिंग से सबकि देखिपारती इवेन ह्वाट इज डीप इन वन्स कनसेन्स जनकर कनसेन्स मैंने बेक मन भितर भी कौन अच्छे से गभीर भाव में मन भितर कौन गभीर अच्छे ताकू से जापारती लेंचो वाज एन ऑक्सो फेमेन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फिल्ड लेंचो वाज एन ऑक्सो फेमेन लेंचो बहुत परिश्रमी था ऑक्सो फेमेन मैंने परिश्रमी वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फिल्ड आउ क्षेत्र से पशु भली काम करूला बट स्टिल तथापि ही न्यू हाउ टू राइट किंतु केमती लेखा जाए से जानता मैं से लेखापढ़ा जानते द फलोईंग संडे जे आसंता रविवार दिन एट डे ब्रेक मैंने दिन आरंभ एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट से लिखा को आरंभ कले कौन लिखा आरंभ कले ए लेटर गोटे चिठी ह्विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन टू टाउन ए लेटर गोटे चिठी ह्विच हि हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन से निजे सहर को नहीं जी एंड प्लेस इन द मेल आउ मेल मेल मैंने से मेल बाक्स पकईदे आसवे इट व्वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गोटे किसी ना केवल भगवान पाक गोटे चिठीटे थी ठीक अच्छे आज गोटे भिडियो सर गोड हिरो से लिखिले भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी जो तुम्हें मत साय कर माय फैमिली मो परिवार एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर मो परिवार ए वर्ष भकर रही आई नीडेड ए 100 पेसोज मत 100 पेसो दरकार पेसो मैंने लाटिन आमेरिकार मुद्रा मत 100 पेसो दरकार इन ऑर्डर टू सो माय फील्ड अगेन मोर क्षेत्र को बुणापी सो मैंने बुणा मोर क्षेत्र पुणी थे मका बुणापी मत टा दिंतु एंड टू लिव आंटिल द क्रप्स कम्स आउ जेपर्यंत शस्य न आसी से पर्यंत से ही टंकारे मु चलिबे बिकज द हेलस्टर्म कारण हेलस्टर्म से बुझ डॉट दे माने सब कथा से लिखिछंती कौन हेतला न हेतला ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप जेमती एनवलप माने खाम उपर हमकु लिखिया पड़े एड्रेस कौंठी पठौछे ही रोट तेणु से लिखिले टू गॉड भगवान पाक लिखिदेले खाली लिखिले टू गॉड जे भगवान पाक ऑन द एनवलप से खाम उपर से लिखिदेले पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल पुट द लेटर इन साइड मैंने से पकेट रखिले एंड स्टिल ट्रबल तथापि से बहुत असुविधार सहित वेन्ट टू टाउन बहुत असुविधार सहित सहर को गले एट द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस रे ही प्लेस्ड ए स्टाम्प से स्टाम्प बाड़े ऑन द लेटर लेटर उपर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेलबॉक्स आ मेलबॉक्स रे जाई से कौन पकईदे
ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରୁ ଜଣେ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ହୁ ୱାଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଡାକବାଲା ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ହେଲ୍ପଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଅଫିସ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଥାଏ ସେ ଯାଇକି ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରହିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ଲାଫିଂ ହାର୍ଡଲି, ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ମାନେ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବସ୍ ପାଖକୁ ହସି ହସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଫିଂ ହାର୍ଡଲି ମାନେ ପୁରା ହୃଦୟରୁ ପୁରା ହସି ହସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସଡ୍ ହିମ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ କିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେଭର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ସେ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଡାକବାଲା ଥିଲେ, ନେଭର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି କାଳରେ ହେଲା ହେଡ୍ ହି ନୋନ୍ ଦେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ସେ ଯାଇକି ତ ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବୃତ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଜାଣିଥିଲେନି ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁଠି ଜାଣିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଚିଠି ନେଇ ଦେଖିଲେ, ଏ ଫେଡ୍ ଜଣେ ଟିକିଏ ମୋଟା ଥିଲେ, ଏମିଏବୁଲ୍ ଫିଲୋ, ଏମିଏବୁଲ୍ ଫିଲୋ ମାନେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ହେଲା ସାଥୀ ଥିଲେ। ଅଲ୍ସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଙ୍ଗ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ହା ହା କରିକି। ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହି ଟର୍ଣ୍ଣ ସିରିୟସ୍, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହଠାତ୍ ସେ ହି ଟର୍ଣ୍ଣ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ, କହିଲେ ନା ଏମିତି କେହି ବି ଲେଖିଥିବନି, କାହାର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଥାଇପାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଲେଖିଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ। ଟେପିଂ ଦ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେସ୍କ, ଆଉ ଡେସ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଏରକମ ବାଡ଼େଇଲେ, ଟେପ୍ କଲେ, ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବସି ବସି ବାଡ଼ୁ, ଏମିତି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କମେଣ୍ଟେଡ଼, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଇ ୱିଶ୍, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଇ ହେଡ଼୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ହୁ ରଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍, ଆଇ ହେଡ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍, ସେଇ ମେନ୍ ଉପରେ ଯଦି ମେନ୍ ଭଳିଆ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଆନ୍ତା, ହୁ ରଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍, ଯିଏକି ଏଇ ଚିଠିଟା ଲେଖିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଙ୍ଗ ଆପ୍ ଏ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନ ସହିତ ସେ ଏଇ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ସହିତ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍, ଆଇ ୱିଶ୍, ଆଇ ହେଡ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ହୁ ରଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା, ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ସୋ ତେଣୁ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍, ମାନେ ସେକ୍ କରିବା, ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଦ ରାଇଟର୍ସ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ଯେ ଲେଖକର ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଭଗବାନ ଉପରୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆଟେ ଆସିଲା ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦ ଲେଟର୍, ସେ ଲେଟର୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିଲେ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆସିଲା। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ଡ ଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଦେଟ୍ ଯେ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍, ମାନେ ସେଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ, ହି ନିଡ଼େଡ଼୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍, ସେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଦରକାର କରୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, ଖାଲି ସୁଖ୍ୟାତି ମାନେ ଖାଲି କଲମରେ ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଚିଠି ପାଇଲି, ଏମିତି ହେଲେ ହେବନି, ଇଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ଖାଲି କାଳି ଆଉ ପେପର୍ ହେଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଲାଗି ରହିବା, ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଲାଗି କରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ମାନେ ଦେବି, ତାକୁ ପଠାଇବି। ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ସେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଠାରୁ କ'ଣ କଲେ, ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ହି ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀର ତାଙ୍କ କ'ଣ ଦରମାର କିଛି ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଭରାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱେଆର୍ ଅବ୍ଲାଇଡ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି। ଆଣ୍ଡ ସେଭରାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱେଆର୍ ଅବ୍ଲାଇଡ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, ଫର୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି, ଗୋଟେ ଦାନ ଭଳିଆ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଦର୍ ଟୁଗେଦର୍ ଦ 100 ପେସୋଜ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଫର୍ ହିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଟୁଗେଦର୍ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଟୁଗେଦର୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦ 100 ପେସୋ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 100 ପେସୋ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ମର୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍, ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍, ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଟୁ ସେଣ୍ଡ, ପଠାଇବାକୁ ଦ ଫାର୍ମର୍, ସେଇ କୃଷକ ଜଣକୁ, ଓନ୍ଲି ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍, କେବଳ 50 ପେସୋ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍, ସେ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପୁରେଇଲେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଲେଞ୍ଚ, ଆଉ ଲେଞ୍ଚର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗଡ୍, ଆଉ ସେ ଲେଟର୍ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲେଟର୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏମିତି ଥିଲା ସେ ଲେଟର୍ରେ। ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସନ୍ଡେ, ତା'ପର ଦିନ ରବିବାର ଦିନ, ଲେଞ୍ଚ କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଅର୍ଲିଅର୍, ଟିକିଏ ସେ ସଳ ବା ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଦେନ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଛି, ଟୁ ଆସ୍କ ମାନେ ପଚାରିବାକୁ, ଇଫ୍ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍, ଯେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିଠି ଆସିଛି କି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ସେଇ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଥିଲେ
ସେ ଡାକବାଲା ଥିଲେ ହୁ ହିମସେଲ୍ ଯିଏକି ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍, ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲେ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମେନ୍ ହୁଏଜ୍ ପରଫର୍ମ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍, ହ୍ୱାଇଲ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ମେନ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏଜ୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ରହିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ହେଲା। ଲେଞ୍ଚ ସଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଲେଞ୍ଚ ଟିକେ ବି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲାନି ଅନ୍ ସିଂ ଦା ମୁନି, ଯଦି ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଥିଲେ କହିବ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚ ଟିକେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲେନି। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ, ମାନେ ତାଙ୍କର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ, ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ଏଙ୍ଗ୍ରି ହେଲେ, ରାଗି ହେଲେ, ହୋଇନି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦା ମୁନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ନା ସେ ରାଗି ହେଲେ। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଭଗବାନ କେବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିନଥିବେ, ନର୍ କୁଡ୍ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ଡିନାଇଡ୍, ଆଉ ସେ କେବେ ମନା ବି କରିନଥିବେ। ଲେଞ୍ଚ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ଲେଞ୍ଚ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କେବେ ମନା କରିନଥିବେ କି ଭଗବାନ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିନଥିବେ। ସେ 100 ପେସ ମାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବଳ କେତେ 75 ପେସ ନା କେତେ 70 ପେସ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହଠାତ୍ ଲେଞ୍ଚ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ହଠାତ୍ ଲେଞ୍ଚ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଣ୍ଡୋ ଝରକାବାକୁ ଗଲେ, ଟୁ ଆସ୍କ ଫର୍ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଙ୍କ, ଗୋଟେ ପେପର୍ ମାନେ କାଳି, ସରି ପେପର୍ ମାନେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣ୍ଡ ଇଙ୍କ ମାନେ କାଳି ମାଗିବାକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ଗଲେ। ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍, ଆଉ ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୱିଥ୍ ମାଚ୍ ରିଙ୍କଲ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ, ବ୍ରୋ ମାନେ ତାଙ୍କର କପାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ରିଙ୍କଲ୍ କୁଞ୍ଚନ ଦାଗ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କଷ୍ଟ ବାଇ ଦ ଏଫର୍ଟ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ କପାଳରେ ଦେଖିଥିବ କୁଞ୍ଚନ ପଡ଼ିଥିବ ସେମିତି। ହୋଇନ୍ ହି ଫିନିଶ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ସରିଲା, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଟୁ ବାଇ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିବାକୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ହି ଲିକ୍ଡ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଚାଟିଦେଲେ, ଆଉ ଅଠା ଲଗେଇଲେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଚାଟିଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏନ୍ଭଲପ୍, ଆଉ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଏଫେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ମାନେ ତାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ। ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫିଷ୍ଟ, ମାନେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାପଡ଼ା ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଠିରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଦେଲେ ସେଇଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଷ୍ଟାମ୍ପଟାକୁ ଆଣିଲେ, ଚାଟିଦେଲେ, ତାକୁ ବସେଇଦେଇକି ହାତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଠାଟେ ମାରିଦେଲେ। ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ଦ ଲେଟର୍ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପନ୍ ଇଟ୍, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଉଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଲେଞ୍ଚ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା। ଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା କହୁଛି, ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଦେଟ୍ ଆଇ ଆସ୍ ଫର୍, ଯେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯେତିକି ମାଗିଥିଲି, ଓନ୍ଲି 70 ପେସେସ୍ ରିଷ୍ଟ ମି, କେବଳ 70 ପେସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ, ଆଉ ବଳକା ଯେତିକି ରହିଲା ମୋତେ ପଠାଉ, ସିନ୍ସ ଯେହେତୁ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦରକାର କରୁଛି, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୁ ଦ ମେଲ୍, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱାର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ, ଆଉ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ୱାର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ, ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡିସ୍ଅନେଷ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ ଆମର କହିପାରିବ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲା, ଲେଞ୍ଚ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।